Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss about BPT versus BSc Nursing versus B Pharmacy and which one is best course. आज हम लोग इस पर बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि आफ्टर 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हम लोगों के लिए कौन सा बेस्ट कोर्स होगा। तो आज हम लोग इसी पे जो है बात करेंगे और आप लोगों के इस क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो टफनेस जो है सभी कोर्सेज की वो इक्वल है और तीनों ही कोर्सेज जो हैं 4 ईयर के हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताएं, वो भले हमारा बैचलर इन फिजियोथेरेपी कोर्स हो या बीएससी नर्सिंग कोर्स हो या बी फार्मेसी कोर्स हो। और तीनों ही कोर्सेज में जो है सब्जेक्ट्स अधिकतर सेम रहते हैं और इसमें आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा तीनों ही कोर्सेज में अगर आप लोग इनको कंटिन्यू करते हैं आफ्टर योर 12th क्लास। और कंटिन्यूटी आप लोगों को बना के रखनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और आप लोगों को एक पंक्चुअलिटी के साथ में या एक सीरियसनेस के साथ में इन कोर्सेज को वहाँ पे करना पड़ेगा। अब कोई कोर्स आप लोगों के लिए अच्छा है या बेकार है इसको आप लोग एक लाइन में समझो। कोर्स वो आप लोगों के लिए अच्छा होता है जिसमें आप लोग जो हैं अपना खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें किसी कोर्स को करने के बाद, या फिर जिस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो हैं एक जॉब भी कर पाएं। तो कोर्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है जिसमें आप लोग अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सके अगर आप लोगों को एक अच्छी जॉब न मिले, और अगर आप लोगों को एक अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद हम लोगों को जॉब नहीं मिल पाती और उन कोर्सेज की लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते उस डिग्री से। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है जिसको आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो है इन तीनों कोर्सेज पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो अब फीस जो है, फीस बी फार्मेसी कोर्स की जो है वो 20,000 से लेके 1.4 लाख पर ईयर हो सकती है। ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन या कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी हो सकती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस जो है डिफरेंट होती है, आप लोगों को पता है। अब जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उस कोर्स की जो फीस है वो 8,000 से लेके 1.3 लाख पर ईयर हो सकती है। जैसे बी फार्मेसी कोर्स की फीस जो है वो 20,000 से 1.4 लाख हो सकती है, ऐसे ही बीएससी नर्सिंग की भी जो है मैंने यहाँ पे फीस डिस्कस की। उसके बाद जो है जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स है इसकी फीस 80,000 से लेके 4 लाख के बीच में हो सकती है। बट जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसको करने के बाद आप लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते, और जो बी फार्मेसी कोर्स है इसको करने के बाद भी आप लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते। बट बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हो, और जो नर्सिंग कोर्स है बीएससी नर्सिंग कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद आप लोग अपना खुद का कोई क्लिनिक या कोई नर्सिंग होम ओपन नहीं कर सकते। जबकि जो बीपीटी कोर्स है इसको करने के बाद आप लोग जो है अपना खुद का एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक ओपन कर सकते हो, और बी फार्मेसी कोर्स को करने के बाद आप लोग अपना एक मेडिकल स्टोर या मेडिकल शॉप जो है ओपन कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद आप लोगों को या तो किसी नर्सिंग होम में या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ेगी, और जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स है इसको करने के बाद आप लोग अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। और बी फार्मेसी कोर्स को करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मेसिस्ट, या फिर किसी इंडस्ट्री में आप लोग जो है फार्मा इंडस्ट्री में आप या बायो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इन सभी कोर्सेज को करने के बाद कि आप लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं जॉब के लिए। उसके बाद जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, तो बी फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं अगर हम लोग उसका कंपेरिजन नर्सिंग या बीपीटी से करें। सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं वो फार्मेसी के हैं, उससे कम जो है नर्सिंग के हैं, उससे कम फिजियोथेरेपी के हैं। उसके बाद जो है कोर्स का जो स्कोप है, सबसे ज़्यादा जो कोर्स का स्कोप है इंडिया के अंदर वो फिजियोथेरेपी का है अभी करंट में, उसके बाद नर्सिंग का है, सबसे कम अभी फिलहाल फार्मेसी का है। ये क्यों है आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक। अब बात करेंगे सैलरी पैकेजेस की। अगर आप लोगों के एज अ फ्रेशर सैलरी पैकेजेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
और देखेंगे कि कौन से कोर्स का पैकेज कितना जाता है एज अ फ्रेशर। स्टार्टिंग में जब आप लोगों का कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग की। तो नर्सिंग का स्टार्टिंग पैकेज आप लोगों का पर एनम का जा सकता है 2 लाख से लेके 2.9 लाख तक का बीएससी नर्सिंग का। उसके बाद जो है जो फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, इसका पैकेज जा सकता है एज अ फ्रेशर अगर आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं, वो जा सकता है 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में जा सकता है। उसके बाद फार्मा का जो है बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद आप लोगों का 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में जो है पैकेज जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का पैकेज जा सकता है वो फिजियोथेरेपी कोर्स को करने के बाद जा सकता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को करने के बाद जा सकता है। उससे कम जो है आप लोगों का पैकेज फार्मेसी बी फार्मेसी कोर्स को करने के बाद जाता है एज अ फ्रेशर। सबसे कम नर्सिंग में आप लोगों का पैकेज जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बट पैकेज ही सब कुछ जो है नहीं होता, बहुत सारे और भी पॉइंट्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं और ओवरऑल आप लोगों को सोचना पड़ता है। तो इस पर भी बात करेंगे कि ओवरऑल कौन सा कोर्स अच्छा है। तो बात करेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में बहुत सारे कैंडिडेट्स इन कोर्सेज को करने के बाद जाने का सोचते हैं। तो फॉरेन कंट्री में अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं इनमें से किसी भी कोर्स को करने के बाद, तो कौन से कोर्स का स्कोप सबसे ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीज़ में? तो सबसे ज़्यादा जो स्कोप है फॉरेन कंट्री में वो नर्सिंग कोर्सेज का है, उसके बाद फार्मा का, उसके बाद फिजियोथेरेपी का। उसके बाद ओवरऑल अगर बात करें सबसे बेस्ट कौन सा कोर्स है तो वो है फार्मा, बी फार्मा। उसके बाद फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, और सबसे लास्ट में नर्सिंग मैं यहाँ पे मानूंगा या आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, ओवरऑल का मतलब सभी पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें सेक्स वाइज बेस्ट कोर्स कौन सा है, मीन्स कि फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए, तो नर्सिंग कोर्स जो है फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो है फार्मेसी कोर्स सेकंड प्रायोरिटी पे मैं बोलूँगा फीमेल्स को रखना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी पे फिजियोथेरेपी कोर्स फीमेल्स को करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद जो है मेल्स को सबसे पहले प्रायोरिटी फार्मा कोर्स को देनी चाहिए, उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स को देनी चाहिए, उसके बाद जो है नर्सिंग कोर्स को देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो है कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट है फिजियोथेरेपी कोर्स में से, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स या फिर बी फार्मेसी कोर्स। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। यहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जा पाएगा या मिल पाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद